ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे फ्लावर के वर्क की अगर बात करें तो फ्लावर के वर्क में क्या चीज हो रही थी? एक सेकंड रुक जाओ। फ्लावर के अगर फंक्शन की बात करें तो क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? सारे एंजियोस्पर्म में ये क्या चीज कर रहा है? यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, और बीज फल का निर्माण कर ले रहा है ना, बीज फल का निर्माण कर ले रहा है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे ये स्टेमन की, है ना। तो स्टेमन में क्या चीज हो रही है? अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे फिलामेंट में हमने दो पार्ट बोले थे, और एंथर किसके साथ में जुड़ा रहता है? फिलामेंट के साथ में जुड़ा रहता है, लेकिन किस वाले पार्ट से? इसका जो पास वाला भाग रहता है ये क्या है यहाँ पे? डिस्टल पार्ट है, ठीक है, ये डिस्टल है, और ये दूर वाला क्या है यहाँ पे? परॉक्सिमल है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एंथर है उसके अंदर में ऐसे कुछ कोच कुछ कक्ष बने हुए रहते हैं, पॉलन सैक रहते हैं। इन पॉलन सैक के अंदर में छोटी छोटी संरचनाएं थी जो क्या कहला रही थी? पॉलन ग्रेन कहला रही थी। और बीच में यहाँ पे क्या रहता है? ये सेप्टम रहता है, जिससे दोनों कोष जो रहते हैं वो यहाँ पे अलग अलग भागों में बटे हुए रहते हैं ना। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे? ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इनका यहाँ पे निर्माण कैसे हो रहा है? तो ये क्या चीज है यहाँ पे? लघु बीजाणु पर्ण है ना, मतलब क्या है ये? माइक्रो माइक्रोस्पोरोफाइल्स है ना। और ये क्या है यहाँ पे? माइक्रो माइक्रोस्पोर है। ये जो पॉलन ग्रेन जब बन जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं यहाँ पे? माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। तो इसमें क्या चीज होती है यहाँ पे? सबसे पहले इसको एक और चेंज करने दो। ठीक है, ठीक है। पराग कोष, पराग कोष में क्या चीज हो रही थी? पराग ठीक है, पराग कोष में क्या चीज हो रही है यहाँ पे? अलग 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 चैम्बर्स बने हुए हैं। उसमें सबसे ऊपर में क्या हो रही है यहाँ पे? ये इपिडर्मिस हो रही है, जो क्या रहती है यहाँ पे? सिंगल लेयर। अभी हम यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये एंथर का, तो इसमें क्या चीज हो रही है? एपिडर्मिस, ये बाहरी लेयर रहती है। ये यहाँ पे ये जो देखो एक लेयर दिखाई दे रही है, ये सिंगल लेयर, ये क्या है यहाँ पे? एपिडर्मिस है, जो सिंगल सेल की बनी होती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। उसके बाद में क्या होती है यहाँ पे? एंडोथीसियम रहती है। एंडोथीसियम में क्या चीज हो रही है? इसकी जो सेल दिखाई दे रही है, हाँ ये लोग कैसे हो रहे हैं, ठीक है, एंडोथीसियम, इसकी सेल देखो यहाँ पर कैसी हो रही है? ऐसे स्तंभाकार है, खड़ी है ना, कॉलमनर सेल है ना, ये ऐसे स्तंभाकार सेल बनी हुई है। और ये कैसे रहती है? लंबी रहती है, और इसके अंदर में क्या रहता है? पानी रहता है। जब परागकण अंदर की ओर यहाँ पे विकसित हो जाते हैं तब ये क्या होती है? संकुचित होती है और पानी को बाहर निकाल देती है, और इस परागकोष को फटने में, स्फुटन में मदद करती है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर जो यहाँ पे येलो वाली दिख रही है, ये क्या है यहाँ पे? मिडिल लेयर है येलो, और ये जो यहाँ पे ग्रे कलर में दिखाई दे रही है, ये क्या है यहाँ पे? मिडिल लेयर है। और ये मिडिल लेयर में क्या होती है? तीन से चार स्तर बने हुए रहते हैं, और ये भी क्या करती है यहाँ पे? जो स्पूटन में हेल्प करती है, साथ में इसके अंदर साइड वाली जो लेयर रहती है वो क्या बनाती है यहाँ पे? टैपिटम बनाती है। ये जो येलो वाली यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, ये क्या है यहाँ पे? टैपिटम बना रही है। और ये टैपिटम के अंदर में क्या रहता है? इसकी सेलें न्यूट्रिएंट मटेरियल को जमा करके रखती है, और ये स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज यहाँ पे जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है। तो जो टैपिटम रहती है, टैपिटम क्या कर रही है? स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या करती है यहाँ पे? न्यूट्रिएंट मटेरियल देने का कार्य करती है। फिर यहाँ पे ये जो एंथर रहता है उसके अंदर में एक ऐसे यहाँ पे फिशर्स बनी हुई रहती है, खाज बनी हुई रहती है, वो क्या कहलाता है? स्टोमियम कहलाता है। और ये स्टोमियम ही क्या करता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे कोई सिर्फ इपिडर्मिस है ना, यहाँ पे एंडोथीसियम की सेल्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे मिडिल लेयर है ना, ही यहाँ पे टैपिटम है ना। तो ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे? एक सेकेंड,
तो ना यहाँ पे एंडोथीसियम है ना ही टैपिटम है, ये भाग कैसा हो गया, पतला हो गया, जिसके कारण उस पर प्रेशर पड़ता है और ये आसानी से क्या हो जाता है, यहाँ पे परागकोष फट जाता है। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टोमियम फटा है तो परागकण कहाँ से, यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, तो स्टोमियम फट जाता है और यहाँ से ये बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन बनाई, ये तो हो गया यहाँ पे परागकोष का स्ट्रक्चर हो गया है ना। अब ये जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन का कैसे निर्माण हो रहा है इसके अंदर में ना, वो देखते हैं। और ये डायग्राम भी बनाने हैं शायद, सिया अभी, सिया को ये पता नहीं था, छाया को भी है ना। तो बेटा यहाँ से जितने भी अभी ये डायग्राम सब तुम लोगों ने देखे हैं ना, ये सारे डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, सारे डायग्राम बनाने हैं, जितने नोट्स में डायग्राम बने बेटा एक साइड से बनाना चालू कर देना। जो न्यू लोग हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, वो लोग एक कॉपी लेंगे, उस कॉपी के अंदर में हमको सारे डायग्राम बनाने हैं, स्टार्टिंग से जितने बने हैं, है ना। ठीक है, स्टार्टिंग से जितने बने, और एक पेज पे एक ही डायग्राम बनाना, मतलब थोड़े से बड़े साइज में बनाना। ठीक है, और सामने वाला पेज खाली भी छोड़ना है बेटा, सामने यस वाला सर, पेज खाली भी छोड़ना है, ताकि दूसरे टाइम में जब रिवीजन टाइम रहेगा उस टाइम में या एग्जाम टाइम में वो वाले डायग्राम यहाँ पर बना पाओ, है ना। चलो ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है ना। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब क्या चीज हो रहा है, लघु बीजाणु जनन, ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। कहाँ चले गया पेन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है ना, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में क्या चीज हो रही थी, ये जो यहाँ पे अंदर की वो जो टैपिटम सेल थी, है ना, टैपिटम सेल थी, टैपिटम सेल के अंदर में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये स्पोरोसाइट्स थी, जो जो क्या बोलना चाहिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई, किससे बनी, ये टैपिटम से, जिसमें क्या हो गया, यहाँ पे इसने न्यूट्रिएंट मटेरियल जमा कर लिया और ये अब क्या होना चालू हो रही है, यहाँ पे विकसित होना चालू हो रही है ना, विकसित होना चालू हो रही है ना। तो अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये विभाजन कर रही है, तो इसमें क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे मायोसिस हो रहा है। मायोसिस मतलब क्या चीज हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन से अभी ये कैसी थी, यहाँ पे टू एन थी, तो ये जो टू एन थी, ये टू एन से यहाँ पे विभाजित हुई, तो सब जो पहला वाला विभाजन रहता है उसमें क्या चीज हो रही है, ये यहाँ पे टू एन ही रहना है। ठीक है, समसूत्री होता है। जो दूसरा विभाजन रहता है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे अर्धसूत्री, तो यहाँ पर सबकी सब ये सेल क्या हो जाना है, एन हो जाना है और अगुणित हो जाना है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे अगुणित होगी तो यहाँ पे क्या बन गए, ये चार यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए, जो कैसे अगुणित है, और यही क्या है, यहाँ पे माइक्रो स्पोर है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो स्पोर है, ये चारों के चारों माइक्रो स्पोर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपस में चिपक जा रहे हैं और चिपक के एक चतुष्क बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्रेड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई जब माइक्रो स्पोर बनना चालू होते हैं तो एक चार चार केंद्र की या चार कोशी की स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे ये टेट्रेड कहलाता है। ठीक है, टेट्रेड, और टेट्रेड कैसे होते हैं, अगुणित होता है। ठीक है, टेट्रेड कैसा है, यहाँ पे अगुणित, इससे नहीं ये कंफ्यूज हो जाना कि भाई टेट्रेड है मतलब कि यहाँ पे फोर एन हो गए ना, यहाँ पे ये जो टेट्रेड, ये पूरा स्ट्रक्चर को टेट्रेड बोल रहे हैं ना, वो बोलेगा टेट्रेड के अंदर में न्यूक्लियस की गुणिता क्या होती है ना, उनके अंदर में यहाँ पे क्रोमोसोम का मेकअप कैसा होता है, तो कैसा होता है, ये है। ठीक है, एन होता है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये विकसित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टैपिटम प्रेजेंट थी, तो टैपिटम क्या करने लग जाती है, इसके चारों ओर में यहाँ पे, एक सेकेंड इसको उठाने दो, ठीक है, टैपिडम के कारण यहाँ पे क्या होने लग जाता है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का की एक भित्ति बनने लग जाती है, और ये कैसा रहता है, एक जटिल हाईली रेसिस्टेंट पदार्थ रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिरोधी होता है हर एक अनस्टेबल कंडीशन के लिए, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, उसके लिए ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट रहता है, प्रतिरोधी रहता है, जिसके कारण में परागकण अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी आसानी से लाइव अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर पे ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर में क्या होना है, न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे वैक्यूल्स बन जाना है, कोशिका द्रव्य जमा हो जाना है, और एक स्थान ऐसा भी छूट जाता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं बनता है ना। फिर यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस था, ये और एक बार डिवाइड होता है और एक क्या बना लेता है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना लेता है, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो इनर मेम्ब्रेन को, या जो आंतरिक स्तर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, और ये
अंदर वाला जो रहता है वो क्या कहला रहा है, इंटाइन, और जो बाहर वाली रहती है वो क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है, और एक्साइन किसकी बनी रहती है, स्पोरोपोलिन। अभी आगे आएंगे स्ट्रक्चर, अभी इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन जा रहे हैं, और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये और एक बार डिवाइड होता है, डिवाइड होकर क्या बना लेता है, दो स्पर्म सेल या दो स्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब जब ये अंकुरित होना चलने अंकुरित होगा तो ये पराग नली के निर्माण में, पॉलन ट्यूब के निर्माण में सहायता करता है। तो ये जब अगर उसने बोला माइक्रोगेमेटोजेनेसिस बताओ, है ना, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताओ, लघु बीजाणु जनन बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ही प्रोसेस बतानी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और अगर उसने बोला परागकोष का स्ट्रक्चर बताओ, तो जो हमने जो पिछला बनाया था अभी वो वाला बताना है। अगर उसने बोला कि परागकण का स्ट्रक्चर बताओ, तो परागकण का स्ट्रक्चर बताओ, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा उसको, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, तो उसमें क्या बन गई, ये गोल संरचना बन गई। और जो टोटल गोल संरचना बनी थी वो कितनी बनी थी, चार थे वहां पे, टेट्रेट थे, तो चार यहाँ पे बनी थी, ठीक है, चार बनी थी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 25 से लेके 50 नैनोमीटर है ना, या नैनोमीटर बोल रहा, माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर इसका व्यास रहता है, क्या हुआ था, ठीक है, ये व्यास रहता है इसका, ठीक है। कम से कम एक एवरेज अगर हम परागकण की बात करें तो उसका व्यास याद रखना है। दूसरी चीज अब यहाँ पर चालू होती है, ये गोल संरचना थी, अभी हमने बोला था कि इसमें क्या बन रही थी, यहाँ पे एक एक्साइन बन रही थी, और एक्साइन क्या थी, बाहरी लेयर थी, बाह्य चोल था, ये बाहरी परत थी, और ये काय की बनी थी, स्पोरोपोलिनिन की, जो प्रोटेक्शन है। इंटाइन अंदर की परत रहती है, पतली परत रहती है, और ये क्या रहती है, यहाँ पे सेलुलोज और पैक्टीन की बनी हुई रहती है ना, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई रहती है, और ये भी क्या करती है, यहाँ पे जो जो परागकण है उसको प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करती है ना। मेन तो याद रखना है, ये जो इंटाइन है ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई रहती है, उसके बाद में इसमें कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, फिर एक स्थान ऐसा रह जाता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जमा नहीं होता है। ये जो स्पोरोपोलिनिन जमा नहीं होता वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जर्मपोर कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है, और यहीं से ये जो इंटाइन है यही क्या होती है, ऐसे आगे की ओर वृद्धि करती है, अंकुरित होने का और परागनली का निर्माण कर लेती है। फिर ये जो ट्यूब न्यूक्लियस रहता है ये इस परागनली में आने लग जाता है, परागनली को आगे विकसित होने में हेल्प करता है। अगली चीज क्या आ रही है यहाँ पे, यार ये इतना कॉल सब गड़बड़ कर देता है, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, तो ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। वेजिटेटिव न्यूक्लियस अभी बताया था, जब यहाँ पे परागनली का निर्माण होने लगता है, इंटाइन यहाँ पे ग्रोथ करने लगती है, तो ये दो न्यूक्लियसों का निर्माण कर लेता है, और ये मेल गैमिट कहलाते हैं, या स्पर्म न्यूक्लियस कहलाते हैं, या मेल स्पर्म न्यूक्लियस कहलाते हैं, और ये ही आगे चल के क्या करते हैं, बीज और भ्रूण कोष के निर्माण में हेल्प करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो, नहीं है, हेलो हेलो, अरे भाई बोलना है ना, नहीं सर, पापा तो जुड़ा
बोला करो ऐसे में, तो फिर तो ये लगेगा कि मैं यहाँ पागल के जैसे बोल रहा हूँ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। बताओ। बताओ भाई बताओ, पागल हूं क्या? सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं बोल रहा है, लग तो ऐसे नहीं रहा है ऐसे में। अच्छा ठीक है, जहां पे डाउट आए भाई वहां पे बोल देना फिर। हाँ ये बात भी है। हाँ भाई ऐसा कुछ है क्या कि किसी को कुछ डाउट ही नहीं आ रहा है तो क्या बोले हैं? हाँ? ऐसा भी कुछ है क्या? हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। नो इस दिस टाइम माय क्लासेस सो आई एम बिजी, आई कॉल यू बैक। अरे यार ये जबरदस्ती में नाटक। चलो ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज होगी? लास्ट वाला डायग्राम हमारा क्या हो गया? परागकण का स्ट्रक्चर हो गया सेकंड टाइम। अब यहाँ पे क्या, अगर उसका अंकुरण बोलते हैं कि सिर्फ परागकण का अंकुरण समझा, तो क्या चीज करना है? यहाँ पे एक परागकण बनाना है, दूसरा एक ऐसे दूसरा परागकण बनाना है जिसमें हमको ये पॉलन ट्यूब भी बनाना है, और जो ये जो दो यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो मेल स्पर्म न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर बना देना है, और एक इसके अंदर में क्या बना देना है, ये पॉलन ये ट्यूब न्यूक्लियस बना देना है। ठीक है, इतनी चीजें करना है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे जब यहाँ पे, ठीक है ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे और भी चीज थी लेकिन ये अब काम की नहीं है। ठीक है, पर दूसरी, ठीक है दूसरी चीजें याद रखना है यहाँ पे। एक हमको सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी याद रखना है। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी में क्या हो रहा था, इसका हिंदी क्या हो रहा था भाई? पता नहीं हिंदी। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी मतलब क्या चीज हो रहा था यहाँ पे? हर एक प्लांट के अंदर में एक कैपेसिटी रहती है जिसके कारण वो ऑटो रिजेक्शन कर सकता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर सकता है। तो यह क्या हो रहा है, जैसे दूसरे प्लांट, दूसरे अगर कोई दूसरे प्लांट के भी अगर कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर में आए तो ये यहाँ पे अंकुरित नहीं होंगे, सेम वही वाले होंगे जिसका जीनोटाइप इस ओरी के साथ में मैच करता है। जैसे S1 S2 किसका है यहाँ पे? S मान लो किसका है यहाँ पे? ओरी का है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है वो अगर S3 और S4 टाइप का है तो ही यहाँ पे ये इसके साथ में मैच करेगा। पता चला अगर यहाँ पे दूसरे प्रकार के कोई आ जा रहा है, जैसे S1 S2 आ जा रहा है, ये अगर आ गए तो ये जो जीनोटाइप हो रहा है वो ये जीनोटाइप के साथ में मैच नहीं करता है, सेम चीजें हो जा रही। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो इस प्लांट के जीनोटाइप से सेम होना चाहिए, जीन के साथ में सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे वही परागकण अंकुरित होता है। और यहाँ पे जो परागकण अंकुरित होता है उसके लिए क्या चीज होती है, यहाँ स्टिग्मा के ऊपर में कुछ एंजाइम वगैरह रहते हैं जिनको नेक्रो एंजाइम बोलते हैं, है ना। जो यहाँ पे परागकण रहता है वो नेक्रो एंजाइम यहाँ पे स्त्रावित करते हैं, जिसके कारण जो पॉलन ग्रेन रहता है उसके अंदर में जो पॉलन ग्रेन के अंदर में जो न्यूक्लियस रहते हैं उसके अंदर में विभाजन यहाँ पर चालू होता है। और ये जो यहाँ पे जो संलयन है ना, जो मादा युग्मोद्भिद का जब यहाँ पे अंकुर, ये परागकण का जब अंकुरण होने लगता है तो जब ये बीजांड का निर्माण यहाँ पे चालू हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे निर्माण है वो नेमेक ने देखा था सबसे पहले। ठीक है, नेमेक ने देखा था
याद रखना, पौधे के अंदर में परागकण से परागकोष, ये जो परागकोष बन कोष बन रहा है ना, एम्ब्रियोसाइट जो बनता है, इसका निर्माण नेमेक ने देखा था, है ना। और जो परागकण की जो जो पॉलन ग्रेन से आंच से जो हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन क्या कहलाते हैं, नेक्रो हार्मोन कहलाते हैं। जो इसके अंदर में जो न्यूक्लियस थे उसको, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था उसको स्पर्म न्यूक्लियस में डिवाइड होने के लिए प्रेरित कर देता है, ठीक है। और फिर स्टो ने बताया था, जो स्टो थे उसने बताया था कि परागनली यहाँ से अंदर की ओर जाती है, पूरा परागकण नहीं जाता है, परागनली अंदर जाती है और वो बीजांड से होते हुए एम्ब्रियोसाइट के अंदर में जाती है, स्टो ने बताया था, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे और याद रखना है, प्रोनाथिन, प्रोनाथिन ये प्रो बोल रहा हूं उसको, प्रोफेसर नाथिन थे वो, प्रोफेसर नाथिन, इनने बताया था कि जो नेक्रो एंजाइम बन रहे हैं यहाँ से, जो नेक्रो एंजाइम थे वो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब टेम्परेचर का उनके ऊपर इफेक्ट होता है तब वो वर्क करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तब वो वर्क करते हैं, तब ये पॉलन ग्रेन में यहाँ पे अंकुरण स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे ओवल के स्ट्रक्चर की, तो ओवल के स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही है, ये ओरी के अंदर में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ओरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है, जिस स्ट्रक्चर के साथ में ये यहाँ पे ओरी से कनेक्ट रहता है वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। और यहीं से न्यूट्रिएंट मटेरियल का इनके बीच में एक्सचेंज होता है। फिर ये जो एक तंतु दिख रहा है ये क्या है, फ्यूनिकल है, यहाँ पर एक ये कुछ स्पेशलाइज सेल बनी हुई रहती है, ये सेल यहाँ पे क्या कहलाती है, हीलियम कहलाती है, है ना। और ये इस फ्यूनिकल को ओल के साथ में जोड़ने का कार्य करती है, है ना। उसके बाद में यहाँ पे सालेजा, यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर और स्पेशलाइज सेल रहती है, ये भी क्या करती है यहाँ पे इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। और ये सेल्स भी यहाँ पर क्या, ये सेल्स का यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है ये क्या कहला रहा है, सालेजा कहला रहा है। उसके बाद में यहाँ पे दो आवरण बने हुए रहते हैं, दोनों आवरण को क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। और इसमें दो आवरण रहते हैं, जो बाहर रहता है वो क्या कहलाता है, आउटर इंटिगमेंट कहलाता है, जो अंदर की ओर रहता है वो इनर इंटिगमेंट कहलाता है। और ये इस एम्ब्रियो से को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। बीच में यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर होता है, और ये जो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे एम्ब्रियो से कहलाता है। इस एम्ब्रियो से में आठ यहाँ पे न्यूक्लियस रहते हैं, आठ न्यूक्लियस में से क्या होते हैं तीन, एक चीज और, ये जो इंटिगमेंट लेयर थी, इन इंटिगमेंट लेयर में से एक पॉइंट ऐसा बच जा रहा है जहाँ पे इंटिगमेंट लेयर प्रेजेंट नहीं हो रही, वो क्या कहला रहा है, बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल छिद्र कहलाता है, जहां से परागनली अंदर की ओर प्रवेश करती है, ठीक है। फिर ये जो न्यूक्लियस था ये एम्ब्रियो सेक था, इसमें आठ कोशिकाएं थी, आठ में से तीन माइक्रोफाइल पोर की ओर में या माइक्रोफाइल जो छिद्र है इस साइड में यहाँ पे जमी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे एग एपरेटस बोलते हैं। और एग एपरेटस के अंदर में क्या रहती है, यहाँ पे दो सेल जो रहती है वो क्या रहती है, यहाँ पे सिंड्रेजाइट सेल सहायक कोशिका, और एक क्या रहता है, एग रहता है जो मादा केंद्रक रहता है। दूसरा यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस रहते हैं, स्टार्टिंग में जब पॉलन ग्रेन नहीं आया होता है, जब उसमें अंकुरण नहीं होता है, तो यहाँ पर ये दो ऐसे दो न्यूक्लियस रहते हैं। और ये दोनों न्यूक्लियस जब यहाँ पे परागकण आ जाता है और अंकुरित होना चालू हो जाता है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। फिर चालजा एंड की ओर भी तीन कोशिकाएं रहती है, ये क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये कुछ समय बाद जब यहाँ पे परागनली अंदर की ओर प्रवेश करने लगती है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। फिर ये जो एग है यहाँ पर, अब याद रखो जो ओवल रहता है वो स्टार्टिंग में कैसा रहता है, एट सेल और एट न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे सेवन सेल और एट न्यूक्लियस हो जाता है। तो एट न्यूक्लियस ये यहाँ पर क्या है, ये पहले ये दो पोलर न्यूक्लियस थे, तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियस आपस में मिक्स होकर क्या बन गए, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसके अंदर में केंद्रक यहाँ पे दो ही है, लेकिन कोशिका कैसी है, एक है, जिसके कारण सेवन सेल और एट सेल वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, मेन तो बहुत अच्छे से याद रख लेना नीट वाले, ये चीज कि सेवन सेल जब यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर में परागकण आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेवन सेल और एट न्यूक्लियस हो जा रहा है, ठीक है। और जब नॉर्मल टाइम, जब वो सिर्फ परिपक्व है, डेवलप, अगर उसने बोला एक डेवलप ओवल में क्या है ना, तो उसके अंदर में एट सेल है और एट न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज वो यहाँ से पूछता है
कि जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से इंटर हो रही है तो कितनी सिंड्रेजाइट सेल यहाँ से डीजनरेट होती है, तो यहाँ पे दो सिंड्रेजाइट सेल थी, तो ये जो पराकर्णली आ रही है वो एक ही साइड कहीं जाती है, तो मतलब इस साइड गई तो ये वाली सेल यहाँ पे डीजनरेट होगी। ये वाली भी होती है लेकिन जब पराकर्णली इंटर कर रही है तब कितनी होती है, तो तब सिर्फ एक ही होती है, ये जो दूसरी सिंड्रेजाइट सेल है ये बाद में डीजनरेट हो जाती है। फिर ये जो एक सेल है, एक सेल क्या हो जा रही है यहाँ पे, जो ये बहुत सारा हो गया है ना यहाँ पे, मिटा देने दो। ये जो एक सेल है इधर से पॉलन ट्यूब आ रही थी, और पॉलन ट्यूब में क्या चीज हो रही थी, जैसे यहाँ से अगर ये पॉलन ट्यूब आ रही थी तो इसमें हमने क्या चीज बोला था, यहाँ पे दो स्पर्म न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस इस एक के साथ में फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगी, ये 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है एम्ब्रियो है। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, सारी की सारी अगुणित संरचना थी, तो ये पहले से ही यहाँ पे 2n है, लेकिन जब ये सेकेंड वाला न्यूक्लियस इसके साथ में आके फ्यूज हो रहा है तो 1n क्या हो जा रहा है यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है यहाँ पे 3n बन जा रहा है, त्रिगुणित संरचना बन जा रही है, जो एंडोस्पोर कहलाती है, भ्रूण पोष कहलाती है, जो यहाँ पे इस विकसित हो रहे बीज या जो अंकुरित हो रहे हैं बीज, जब अंकुरित होता है उसको पोषण देने का वर्क करने लगता है, और ये यहाँ पे क्या बन जाता है एम्ब्रियो, जो द्विगुणित स्ट्रक्चर रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर दो बार दो हमने मेल गैमेट और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनका जब यहाँ पे ये मिक्स हो रहे थे तो इससे क्या बन रहा था यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा था, और ये जो प्रोसेस थी ये क्या कहला रही थी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहला रही थी, है ना, तो फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर ये एक फीमेल गैमेट था और ये एक फीमेल गैमेट था और ये दो यहाँ पे मेल गैमेट थे, तो दो बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। और त्री संलयन, अब यहाँ पर आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और त्री संलयन क्या है, तो ये दो बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे मेल फीमेल गैमेट मिला, तो ये क्या है यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। त्री संलयन का मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे दो दो केंद्रक है ना, तो ये दो केंद्रक है और ये एक केंद्रक, तो यहाँ पे टोटल तीन युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो त्री संलयन से क्या बनता है एंडोस्पोर बनता है, ठीक है एंडोस्पोर भ्रूण पोष बनता है, ठीक है। द्विसंलयन, द्विसंलयन क्या है, ये है जहां पर एक एक सेल और एक क्या मिल रहा है यहाँ पे मेल गैमेट मिल रहा है, तो ये चीज क्या है यहाँ पे, ठीक है इसको मिटा देंगे, तो ये क्या है यहाँ पे द्विसंलयन है, ठीक है। त्रिसंलयन में क्या चीज हुई थी, तीन गैमेट्स का संलयन हुआ था ना, क्लियर है, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। और ये जो द्विनिषेचन है इसकी खोज पूछते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया था, तो किसने किया था कोई बता दो, फट से बताओ, लेकिन 10 बार बोलने मत लगाना, एजिन मार्टिन, किसने बताया ये भी बताओ, नाम भी बताओ, एजिन मार्टिन, नाम बेटा किसने आंसर किया, ठीक है आवाज आज शायद बहुत धीरे आ रही है, ठीक है। तो एजिनिवासिन ने इसकी खोज करी थी, उनने यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर में देखा था, और ये एंजियोस्पर्म का सबसे मेन कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ये पॉइंट से याद रख लेना, एंजियोस्पर्म का सबसे मेन कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पर बीजांड के अलग अलग प्रकार हो रहे हैं, है ना, इसके लिए हमने बताया था ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस पे क्या चीज याद रखना, यहाँ पे सीधे 180 का एंगल याद रख लेना कि भाई 180 का एंगल बना होता है ऑर्थोट्रोपस में, और ये जो बीजांड के टाइप दिए, बीजांड के टाइप क्या हुए, तीन स्ट्रक्चरों के आधार पे दिए, सबसे पहला है माइक्रोपाइल छिद्र, है ना माइक्रोपाइल पोर, दूसरा है चालजा और तीसरा है फ्यूनिकल, इनकी स्थिति इनकी पोजीशन के आधार पे यहाँ पे ये सारे का यहाँ पे टाइप्स दिए हुए, है ना, तो ऑर्थोट्रोपस में यहाँ पे 180 का बन जा रहा है, किसके मेन याद रखना, फ्यूनिकल से माइक्रोपाइल का एंगल याद रखना, है ना, तो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच में क्या चीज हो जा रहा है 180 बन जा रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे आ रहा है सार्सिनोट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस में क्या चीज हो जा रही है, कुंडलित हो जा रहा है, ये पहले कैसे रहना है ऑर्थोट्रोपस रहना है, उसके बाद में कैसा होना है यहाँ पे हेमियनाट्रोपस होना है, हेमियनाट्रोपस के बाद में ये एम्फीट्रोपस होना है, वापस ऐसा घूम के क्या हो जाना है ऊपर चले जाना है, तो इसमें क्या चीज बन गई यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है वापस वो जहाँ के वहां पहुंच गया,
ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे एनाट्रोपस, तो एनाट्रोपस में याद रख लेना यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल रहता है, जो माइक्रोपाइल छिद्र है और फ्यूनिकल है दोनों कैसे हो गए आपस में पास पास में आ गए, ठीक है। अगला आता है हेमी एनाट्रोपस, तो हेमी एनाट्रोपस में क्या हो रहा था 90 का एंगल बन जा रहा था किसके यहाँ पे माइक्रोपाइल छिद्र और फ्यूनिकल के बीच में। फिर आ रहा था यहाँ पे एम्फीट्रोपस, तो एम्फीट्रोपस में क्या हो रहा था यहाँ पे ये घोड़े की नाल के जैसे करवा जा रहा है इसमें, है ना, घोड़े की नाल के जैसा करवा जा रहा है। और अगर एंगल से याद रखना है तो 30 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, और जो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर में घोड़े के नाल के जैसा करवा जा रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस में भी याद रखना यहाँ पे 30 का ही एंगल बन रहा है, लेकिन जो एम्ब्रियो सेक है वो कहाँ पर आ गया है यहाँ पे माइक्रोपाइल छिद्र के पास में आ गया है, माइक्रोपाइल पोर के पास में आ गया है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या मैं चेंज कर रहा हूं। अब आ रहा है यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है ओवल के अंदर में, बीजांड के अंदर में यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो एम्ब्रियो सेक है ना, इसके डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब बड़ा जो यहाँ पे बन रहा है, मेगा मतलब क्या होता है बड़ा स्ट्रक्चर, और उधर क्या बोल रहे थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, उधर क्या बनाता है छोटा स्ट्रक्चर बनाता है ना, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या नहीं, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है ना, गुरु बीजाणु जनन। तो अब इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ जो ओवल के अंदर में, ओवल के अंदर में क्या चीज रहती है यहाँ पे जो अंदर की जो लेयर रहती है वो ऑर्की स्पाइरल सेल रहती है। इस ऑर्की स्पाइरल सेल में क्या होता है डिवाइडेशन होता है, और डिवाइडेशन होने पे क्या बनती है यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल बनती है, स्पोरोजिनस सेल। और जो एक जब इसमें ऑर्की स्पाइरल सेल में डिवाइडेशन हो रहा है तो एक क्या बन रही है स्पोरोजिनस सेल बन रही है, ये स्पोरोजिनस सेल बनी। दूसरी क्या बनी प्राइमरी पेराइटल सेल बनी, प्राइमरी पेराइटल सेल बनी। ये प्राइमरी पेराइटल सेल क्या होना है कुछ टाइम बाद यहाँ पे डीजनरेट हो जाना है। अब इस जो यहाँ पे जो स्पोरोजिनस सेल बनी थी, स्पोरोजिनस सेल में क्या होता है यहाँ पे अभी ये क्या चल रही थी 2n है, ठीक है 2n है, इसमें और डिवाइडेशन होता है, अभी भी यहाँ पर ये 2n है, और ये क्या बनते हैं यहाँ पे जो नहीं अभी एक सेकंड यहाँ पे ये हो गया यहाँ पर अब इसमें क्या चीज चालू हो जाती है यहाँ पे डिवाइडेशन चालू हो जाता है। डिवाइडेशन होकर क्या चीज बन रही है यहाँ पे हिप्लॉइड बन रही है और एन बन जा रही है, तो यहाँ पे क्या बन गई ये मेगा स्पोर सेल बन गई, 4 मेगा स्पोर सेल बन गई। 4 मेगा स्पोर सेल में से क्या होती है 3 छोटी रहती है और 1 बड़ी हो जाती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल को ये जमा कर लेती है। इसीलिए फिर क्या हो रही है यहाँ पे जो 3 रहे ये क्या हो जा कहला रही है यहाँ पे डीजनरेटिव सेल कहला रही है, ये आपस में अलग अलग होना स्टार्ट हो जाती है और क्या बनाती है यहाँ पे 3 डीजनरेटिव मेगा स्पोर सेल बनाती है, मतलब ये विलुप्त होने वाली है। और ये क्या है फंक्शनल मेगा स्पोर है, और इसके अंदर में वैक्यूल्स बनने लगता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल यहाँ पे बढ़ जाता है, और ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगा स्पोर सेल का जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे डिवाइड होता है, मायोसिस करता है, माइटोसिस कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है, और एक से क्या हो रहा है 2 सेल बन रही है, दोनों क्या हो जा रही है 2 पोल पर चले जा रही है, ठीक है, इसमें 2 पोल पे चले जा रही है। और ये जो डीजनरेटिव सेल है ये धीरे धीरे यहाँ पे डीजनरेट होकर विलुप्त होने लग जाती है। फिर ये एक के अंदर में और डिवाइडेशन होता है और यहाँ पे 2 बनती है, 2 से 4 हो जाती, तो 1 पोल पर 4 यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस हो जाते हैं, दूसरे पोल पर फिर से यहाँ 4 पोलर न्यूक्लियस रहते हैं, इनमें से 2 सेल क्या होती है बीच में आने लगती है, और ये क्या कहलाती है यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस। और ये जो ऊपर साइड में अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बन गया है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया माइक्रोपाइल पोर इस साइड में आ गया है और इनने चालजा इस साइड में बता दिया है, ठीक है चालजा इस साइड बता दिया। तो जो नीचे की जो 3 सेल है ये एंटीपोडल सेल है, चालजा एंड साइड में रहती है, और माइक्रोपाइल पोर की ओर में क्या हो जाती है यहाँ पे एग एपरेटस बन जाता है। ये जो 3 सेल है जब ये साथ में है तो ये क्या कहला रही है यहाँ पे एग एपरेटस कहला रही है। इसके अंदर में 2 क्या है एक ये क्या है यहाँ पे सिंड्रेजाइट सेल है,
एक क्या है यहाँ पे, एक सेल है, ठीक है, ये जो एक है एक सेल, जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना ले रहा है, और ये जो सारे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सारे के सारे जो न्यूक्लियस है ये सब कैसे है, एन है, अगुणित है, ठीक है, अगुणित है। तो इस तरह से एक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो एम्ब्रियो सेक है पूरा का पूरा कैसा है, ये एन है, ठीक है, अगुणित है, ठीक है बेटा, ये याद रखना। एम्ब्रियो सेक कैसा स्ट्रक्चर है, तो अगुणित स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। यस सर, यस सर, ये वाला स्ट्रक्चर सारे लोगों को बनाने भी है ना। चलो अगली चीज आ रही है यहाँ पे, पॉलिनेशन। किसने मैसेज किया, ठीक है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या चीज हो रही है, परागण। परागण में क्या चीज होता है, जो मेल गैमिट रहते हैं, मेल गैमिट निकल कर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है, यहाँ पे पॉलिनेशन कहला रही है ना, ठीक है, पॉलिनेशन। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे पॉलिनेशन के टाइप की। तो सबसे पहले क्या होता है, स्व परागण और पर परागण। स्व परागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप का रहता है। तो सबसे पहले क्या रहता है, ऑटोगैमी रहता है, ये ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या चीज हो रही, एक ही पौधा है, एक ही प्लांट है, उसी का एक फ्लावर, उसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक गए, तो वो क्या कहलाया यहाँ पे, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन, है ना, ऑटोगैमी। दूसरा क्या चीज आता है यहाँ पे, एक ही प्लांट है लेकिन उस क्या लिखा गया, ई लिखा गया, एक ही प्लांट है लेकिन एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर के ऊपर में जब यहाँ पे जा रहा है पॉलन ग्रेन, तो वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, जिनेटोगैमी, है ना, जिनेटोगैमी।